नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 10 नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। अमेठी में मुंशीगंज थाना क्षेत्र के द्वारा गांव के पास हुई रिटायर्ड फौजी की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक फौजी के परिवार ने पुलिस के खिलाफ हल्ला बोलते हुए फौजी की लाश को रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग पर रखकर न्याय की गुहार लगाई है। सभी फौजी के हथियारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अमेठी में जामो थाना क्षेत्र के पूरे छविलाल पांडे दीघा गोपालपुर में एक सांड ने अधेड़ को टक्कर मार दी, जिससे अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। बहराइच में वशीरगंज मोहल्ले के रहने वाले 10 साल के हिमांशु और प्रिंस प्रतिमा विसर्जन के दौरान झिंगहा घाट से कहीं लापता हो गए। वहीं दोनों बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा है। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। बहराइच में थाना सुजौली क्षेत्र के चहलवा के मजरा निषाद नगर गांव में रहने वाले एक 12 साल के लड़के को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया। मगरमच्छ ने लड़के के पैर को पूरा चबा लिया। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। बहराइच थाना खैरीघाट क्षेत्र के ग्राम सभा बेहडा में आकाशीय बिजली गिरने से संतोष कुमार वर्मा के साथ ही चंदन मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। बाराबंकी में लखनऊ के नगराम के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार वर्मा उर्फ राज की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने राज के हत्या करने वाले दो हत्यारोपित दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दोनों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कार और मृतक के बाइक के साथ ही कई अन्य चीजें भी बरामद कर ली है। रामपुर में थाना मिलक क्षेत्र से पुलिस ने लूट की दो घटनाओं का सफल अनावरण कर सभी बदमाशों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने 39,900 रुपयों से भरा बैग, घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल के साथ ही एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। महोबा में पनवाड़ी थाना क्षेत्र के जखा गांव में एक युवक की मौत पर परिजनों ने हत्या का शक जताया है। हत्या और आत्महत्या के बीच फंसी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस भी अपने सारे दांव पेश लगा रही है। गौरतलब है कि मृतक के पास एक तमंचा भी बरामद हुआ था। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में रशीद नगर में एक साल की बच्ची खुले नाले में गिर गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस मामले के बाद इलाकाई लोग पार्षद और नगर निगम के खिलाफ आक्रोशित हो उठे हैं। बस्ती में हरिया थाना क्षेत्र के लबदहिया गांव में बारिश की वजह से कच्चे मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसके नीचे दबने से पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।